व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम ही है ग्राफिक डिजाइन हिंदी में। मैं हूं ओम और आज इलस्ट्रेटर के इस 12वें एपिसोड में हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स को क्रिएट किस तरह से करना है, उन्हें मैनेज किस तरह से करना है और एडिट किस तरह से करना है। और इन कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल शेप्स को हैंडल करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ पाथफाइंडर और शेप बिल्डर टूल। वीडियो शुरू करने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ क्वेश्चंस मुझे कर सके, क्योंकि आप सबको पता है जितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं मैं उन क्वेश्चंस पर वीडियोस बनाता हूँ। जितने वीडियोस मैं बनाता हूँ आपका नॉलेज उतना ही बढ़ता है। सो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर में शेप्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए कई सारे रास्ते हैं। हम पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पेंसिल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पाथफाइंडर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। पाथफाइंडर ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए हमें और एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। सो मैं इसी की एक कॉपी इस तरह से बना देता हूँ। ये हमारे किसी व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो भी मैं कीबोर्ड पर की प्रेस करता हूँ या फिर मैं माउस के जो मोमेंट्स करता हूँ वो स्क्रीन पर दिखाने के लिए एक वो सॉफ्टवेयर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और मैंने अब वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं, तो इस कर्सर के पास देखिए एक माउस का सिंबल है। जब मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये रेड हो जाता है और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं लेफ्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ या फिर राइट। अगर मैं माउस का व्हील यूज़ करता हूँ तो देखिए अप अगर मैं करता हूँ तो इस तरह से, और अगर मैं व्हील डाउन करता हूँ तो इस तरह से नज़र आएगा। जो भी मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा वो आपको सब कुछ यहाँ पर लेफ्ट में नज़र आएगा। सो पाथफाइंडर अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ तो राइट हैंड साइड में पाथफाइंडर एक्टिवेट हो जाता है, या फिर आप विंडो में जाकर पाथफाइंडर यहां से सामने ला सकते हैं। ऊपर की तरफ शेप के कुछ मोड्स है और नीचे की तरफ पाथफाइंडर्स है। मैं इनका फील कलर निकाल देता हूं जो कि वाइट कलर है अभी। अब देखिए ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन मैं इन्हें सेलेक्ट करके अगर ये यूनाइट वाला जो ऑप्शन है उसे क्लिक करता हूं तो देखिए ये दोनों सर्कल्स एक हो जाएंगे। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूं वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, बट पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर हम डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो शेप्स को अगर यूनाइट करना हो डायरेक्टली तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिससे दो ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अगर आपको यूनाइट करने के बाद कोई शेप इनमें से एडिट करना है तो अब ये मुश्किल है, क्योंकि आपने दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया है। बट ऐसा ना हो इसलिए एक ऑप्शन आपके पास ज़रूर है। आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कंबाइन तो हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप उसे बाद में एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डबल क्लिक करने के बाद मैं इस तरह से छोटा करता हूँ नीचे वाले सर्कल को, तो देखिए ये दोनों कंबाइन है, बट फिर भी मुझे फ्रीडम मिल जाता है कि मैं बाद में इस शेप को एडिट कर सकूँ। उसके बाद है ये माइनस फ्रंट। अब माइनस फ्रंट जैसे कि इसका नाम है वैसे ही ये काम करता है। यहाँ पर इस फ्रंट वाले को मैं ज़रा रेड कलर देता हूँ और इस बैक वाले के लिए मैं ब्लू। तो अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, फ्रंट में रेड कलर है और बैकग्राउंड में ब्लू है। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ माइनस फ्रंट पे, तो ये जो रेड वाला था जो फ्रंट में था वो वहाँ से गायब हो गया और जाते जाते उसने
पीछे जो बैकग्राउंड का ब्लू कलर था उसका इतना पोर्शन इरेज कर दिया। सो ये माइनस फ्रंट का सिंपल सा फंडा है, जो भी चीज आगे होती है किसी ऑब्जेक्ट के वो डिलीट हो जाती है, लेकिन जाते जाते पीछे वाले ऑब्जेक्ट को कट कर देती है। जो अल्ट प्रेस करके हमने इस यूनाइट के साथ किया था वो हम यहां पर भी कर सकते हैं। अगर अल्ट प्रेस करके हम क्लिक करते हैं तो ये माइनस फ्रंट तो हो जाएगा, लेकिन आप ये फ्रंट बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस इंटरसेक्ट की तरफ। इस छोटे से आइकन में सब कुछ दिखाया जाता है कि क्या इफेक्ट अप्लाई होने वाला है जब आप प्रेस करते हो इस बटन को। तो इंटरसेक्ट क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स है। अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूं और इंटरसेक्ट को क्लिक करता हूं। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया क्या हुआ देखिए, यहां पर मैं एक कॉपी निकालता हूं और फिर आपको बताता हूं। अब देखिए ये जो ओवरलैप हो रहा है ना सर्कल और ये वाला, इतना ही ऑब्जेक्ट बचेगा इस इंटरसेक्ट को क्लिक करने के बाद। तो सेम ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसे सेलेक्ट करता हूं और इंटरसेक्ट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सी, यहां पर इतना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बाकी जो था वो रिमूव हो चुका है। और जैसे कि हमने अल्ट प्रेस करके पहले दो ऑप्शंस के लिए यूज किया था वही हम यहां करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे और अगर यहां पर क्लिक करते हैं सो देखिए हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो बन चुका है, बट हमें ऑप्शन मिलता है कि हम बाद में उसे एडिट कर सके। सेम उसके ऑपोजिट ये लास्ट वाला ऑप्शन काम करता है, एक्सक्लूड। इसे समझाने के लिए मुझे लगता है कलर देना चाहिए। सो यहां पर मैं इस तरह से कलर देता हूं और सेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन क्लिक करता हूं। सो देखिए जितना ओवरलैप ये सर्कल्स एक दूसरे पर हुए थे उतना पैच डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है और बचा है इतना। सो ये जो शेप के मोड्स है वो कई बार काम में आते हैं, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। खैर अभी इलस्ट्रेटर ने कई सारे ऐसे नए टूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो शेप्स को एडिट करने में बहुत मदद करते हैं, इजी है, बट मैं इसे अभी भी यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत अभी भी पड़ती है। सो डेफिनेटली पाथफाइंडर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके बाद है ये पाथफाइंडर्स के ऑप्शंस, जैसे कि डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन, माइनस बैक। वैसे तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए तीन ऑब्जेक्ट्स है, एक का कलर चेंज करता हूँ, मे बी ये वाला, पीछे का कुछ और। अब अगर मैं सेलेक्ट करके ये वाला डिवाइड वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो ओवरलैप होने वाले ब्लू लाइन्स आपको नजर आ रहे हैं वहां पर क्या होता है देखिए, ये ऑब्जेक्ट्स जहां से ओवरलैप हुए थे वहां पर कट हो चुके हैं, बस हमें इसे अनग्रुप करना है और इस तरह से ये अलग अलग हो चुके हैं। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ट्रिम वाला, अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो देखिए जो सबसे फ्रंट में था उसने उसके बैक में जो था उसको ट्रिम किया और जो ब्लू था उसने उसके बैक वाला कलर यानी कि ग्रीन को ट्रिम किया। चेक करने के लिए हमें इसे अनग्रुप करना होगा। उसके बाद ऑप्शन है मर्ज वाला, देखिए यहां पर दो जो ब्लू सर्कल्स हैं और एक पिंक वाला सर्कल है, तो अब इन्हें सेलेक्ट करके मैं जब मर्ज करता हूं तो देखिए क्या होता है, जो ब्लू थे वो कंबाइन हो गए और जो पिंक था वो अलग हो गया। अनग्रुप करने के बाद या फिर आप डबल क्लिक करके भी अंदर जाकर इस तरह से उन्हें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है क्रॉप, फ्रंट में जो सबसे फ्रंट में ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर बाकी ऑब्जेक्ट्स चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस सर्कल को मैं कुछ और कलर देता हूँ, येलो वाला। सो अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं क्रॉप पर क्लिक करूँ तो देखिए इस येलो सर्कल में देखिए क्या होता है, तो क्रॉप जो ब्लू और पिंक वाला जो हमारा सर्कल था वो इस येलो वाले सर्कल के अंदर की तरफ आ चुका है मास्क की तरह। इलस्ट्रेटर में स्मार्टली और अगर फास्टली काम करना है तो कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें अवॉइड करना पड़ता है, कई सारे टूल्स होते हैं
जिन्हें बार बार यूज़ करना पड़ता है। सो इनमें से कुछ टूल्स है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, कुछ है जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, बट मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा ताकि हो सकता है आपको ये बाद में कभी काम में आ जाए। उसके बाद है आउटलाइन। देखिए पिंक, ब्लू एंड येलो, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, इन आउटलाइंस को देखिए, ऑब्जेक्ट्स के अंदर का जो फील कलर था वो आउटलाइंस को आ चुका है। अगर हम चाहें तो इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप अंदर की तरफ, या फिर आप अनग्रुप करके उनमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है माइनस बैक। तो देखिए अब फ्रंट में येलो है और ये बाकी दो बैक में है। तो अगर मैं इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्लू और पिंक वाले निकल चुके हैं, लेकिन जाते जाते इस पीले वाले ऑब्जेक्ट को खा गए। तो समझने में ये भी बहुत आसान सा फंडा है। अब हम इन शेप मोड को और इन पाथफाइंडर्स को यूज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्रिएट करने के लिए। सो गाइस लेट्स हैव सम फन। अब हम बिल्कुल मैं बिना सोचे कुछ भी यहाँ पर करने वाला हूँ, जो भी आउटपुट मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं मे बी सर्कल से। सर्कल को मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ और चलिए ये वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट से और दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूँगा। चलिए मुझे यहाँ पर एक आइडिया आ गया है, मैं इसे फिश दिखा सकता हूँ। तो मैं इसका येलो कलर निकाल देता हूँ, सिर्फ आउटलाइन को यूज़ करता हूँ। इस तरह से मैं उसके पीछे का जो पोर्शन होता है, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, मैं फिश नहीं खाता, तो ये वाला पोर्शन हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए मैं किस तरह से शेप्स को क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ पाथफाइंडर और बेसिक जो शेप्स है उन्हें मैं यूज़ कर रहा हूँ बस। सो इसे अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है वो रहे, बाकी ये सब कुछ निकल जाए। तो मैं सेलेक्ट करूँगा, ये जो माइनस फ्रंट वाला है उसे क्लिक करूँगा। सो देखिए ये एक फिश मैंने बना दी सिंपल से सर्कल को यूज़ करके। अब मैं इसकी आँख बनाऊँगा। आँख बनाने के लिए कंपाउंड शेप करके एक ऑप्शन है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो आउटलाइन है उसके बजाय मैं फील कलर लेना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस एरो पर क्लिक करता हूँ। अब ये फील हो चुका है। अब मैं और एक सर्कल यहाँ पर पेस्ट करूँगा, उसे कलर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उसे रखता हूँ। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं कंट्रोल और 8 प्रेस करता हूँ तो देखिए जो सर्कल मैंने अंदर की तरफ रखा था वो ट्रिम हो चुका है। सी, यहाँ अंदर की तरफ कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो उसे एडिट कर सकता हूँ डबल क्लिक करके इस तरह से। अब मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया कि डायरेक्टली उसे ट्रिम कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। मैं फिर से वो शेप बनाता हूँ इस तरह से, यहाँ तक लेता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं अल्ट प्रेस करके ये वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ, ताकि अगर मैं चाहूँ तो बाद में इसे चेंज कर सकता हूँ, है ना। सो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी फिश बना दी। चलिए और कुछ यहाँ पर ट्राई करते हैं बनाना। तो अब माहौल बन चुका है फिश का, वाटर का, तो क्यों ना बाकी समंदर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे ऐड की जाए। मैं यूज़ करूँगा ये सर्कल, मुझे बस लहरें दिखानी है, रेक्टेंगल। अब देख रहे हैं मैं सारी चीज़ें सिर्फ पाथफाइंडर और बेसिक शेप्स को यूज़ करके बना रहा हूँ। माइनस ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसे इस तरह से रखता हूँ और फ्लिप कर देता हूँ यहाँ पर।
और इस तरह से रखता हूँ। अब देखिए इलस्ट्रेटर में ये बहुत ही बोरिंग सा काम है कि लाइंस को ज्वाइन करना वगैरह। सो पहले जो पुराने इलस्ट्रेटर के वर्जन्स थे उसमें तो बहुत सरदर्द था ये, क्योंकि ये मैच ही नहीं होता था। इनफैक्ट 2018 में भी ये मैच नहीं होता। बट यहाँ पर एक ऑप्शन मुझे मिल चुका है कि व्यू मेनू में अगर मैं स्नैप टू पिक्सल ये वाला जो ऑप्शन है उसे डीएक्टिवेट करूँ, सो मैं मेरी ज़रूरत के अनुसार कर सकता हूँ। ये सिर्फ नए इलस्ट्रेटर में अवेलेबल है, पुराने वालों के लिए ये फंक्शन नहीं है। सो देखिए कितना अच्छी तरह से ये मर्ज हो चुका है। अगर मुझे इन्हें कनेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इन्हें कनेक्ट कर सकता हूँ, इन दो लाइंस को। मैं इसी की कॉपी यहाँ पर रखता हूँ, सेट और डुप्लीकेट, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट। मुझे यहाँ पर एक और एक फिश लगेगी, थोड़ा कुछ मज़ा आ जाएगा फिर ग्राफिक में। दिस टाइम आई विल, सो इस तरह से मैं एक बड़ा सर्कल लेता हूँ, फिर एक और फिर इन्हें सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मैं ज़्यादातर शेप मोड्स पर ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभार काम आने वाले टूल्स हैं, ज़्यादातर ये वाले यूज़ होते हैं। इसकी जैसे पूछ हमने निकाली थी सेम उसी तरह से यहाँ पर भी मैं कुछ ड्रॉ करूँगा। ये थोड़ा विलन टाइप का फिश लग रहा है, इसे एक विलन टाइप का फील देने के लिए इसे थोड़ा सा ऐसा खड़ूस हम लोग दिखाएंगे। सो यहाँ पर एक पेन टूल से मैं सिंपल से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। नहीं आई थिंक ये स्माइल नहीं करना चाहिए, या अब ये लग रहा है थोड़ा सा खड़ूस टाइप में। इसके सेंटर में एक सर्कल ऐड कर देता हूँ, इसकी आंख इस तरह से। आप देख रहे हैं सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक शेप्स और पाथफाइंडर और ये शेप मोड्स यूज करके बना रहा हूँ। चलिए एक लास्ट फिश मैं यहाँ पर बना देता हूँ। सो ये यहाँ पर मैं कुछ अब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहा हूँ, एक थोड़ा सा समंदर वाला फील मैं यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके लिए जो कुछ भी मैंने यूज़ किया वो सब कुछ आपको पता है कि बेसिक शेप्स और पाथफाइंडर और ये शेप मोड्स यूज़ करके। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं, पेंसिल टूल जब मैं सिखा रहा था तब मैंने बताया था कि सही वक्त आने पर मैं इसे सिखा दूंगा। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एन। शेपर टूल जेस्चर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टैबलेट है या फिर अगर नहीं है तो आप सिंपली इस टूल को लीजिए, और अगर आपको सर्कल की ज़रूरत है तो एक रफ सर्कल आप यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, वो समझ जाएगा कि आपको क्या ड्रॉ करना है। आप स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, रेक्टेंगल, परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप इस तरह से स्क्वायर बना सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से पॉलीगॉन, हेक्सागन भी बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से कितना रफ किया था लेकिन उसको समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो शेपर टूल है वो इसी के लिए काम आता है जो जेस्चर पकड़ता है। ये भी एडिटिंग करने के लिए काम में आता है लेकिन मैं पर्सनली इसे यूज़ नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ ट्रायंगल्स यहाँ पर निकाले हैं, और अगर मैं इसे सेलेक्ट करके एक लाइन इस तरह से उस ऑब्जेक्ट से ड्रैग करता हूँ तो देखिए वो वाला जो ऑब्जेक्ट था वो निकल चुका है और उसका जो बचा खुचा पोर्शन था वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। वैसे ही इस तरफ भी देखिए, इस तरह से मैं ड्रैग करूँगा, ये डिलीट हो गया। अगर मैं वो लाइन इस तरह से ड्रैग करके अंदर की तरफ लाता हूँ इस ऑब्जेक्ट के, तो वो ऑब्जेक्ट भी वहाँ से डिलीट हो जाता है। सो शेपर टूल से भी आप ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा एडिट और मैनेज कर सकते हो, बट
मेरा पर्सनल सजेशन है, आप इसे यूज़ मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसे आप तब यूज़ कीजिए जब फटाफट आपको सर्कल चाहिए हो, ट्रायंगल चाहिए हो या स्क्वायर चाहिए हो। सर्कल लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना पड़ता है, फिर सर्कल पर क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करना पड़ता है। लेकिन अगर आप शेपर टूल यूज़ करते हैं तो सिंपली आप इस तरह से करेंगे तो भी आपको सर्कल मिल जाएगा। तो ये इसी के काम का है, बाकी एडिटिंग के लिए वगैरह बहुत सारे अलग टूल्स हैं। सो शेप्स बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ और जो मेरा सबसे फेवरेट टूल है वो है ये शेप बिल्डर टूल। ये जो कुछ भी आपने अब तक देखा है वो सेकंड्स में कर देता है। अब देखिए, यही फिश अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं इस तरह से, देखिए कितना समय मुझे लगता है, इन दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, अल्ट प्रेस करता हूँ। अल्ट प्रेस करने से यहाँ पर माइनस सिंबल आ गया और जो ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए उस पर मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ, इस तरह से ड्रैग करूँगा। देखिए हो गया। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया, लेकिन जब आप इसे करते हैं तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जिप हो गया। आसान है। अब इसका पीछे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये अगर ड्रॉ करना है तो सिंपली क्लिक ट्रैक, क्लिक जरा से सेलेक्ट और ये शेप बिल्डर लेके बूम गायब। बट एक बात यहां पर है, ये जब ट्रिम करता है, डिलीट करता है तो फाइनल डिलीट कर देता है, बाद में आपको ऑप्शन नहीं मिलता। अब अगर मैं चाहूँ तो इसे छोटा नहीं कर सकता क्योंकि ये अब फाइनल हो चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि इस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट्स को अल्ट प्रेस करके ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं माइनस फ्रंट, सो हम बाद में अगर चाहे तो ये इस तरह से एडजस्ट करके हम हमारे शेप्स को और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अल्ट प्रेस करके यहाँ का पोर्शन रिमूव किया था, हम ऐड भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर सेलेक्ट करूँगा और इस तरह से विदाउट कुछ क्लिक किए कीबोर्ड पर सिंपली ड्रैग करूँगा तो वो कंबाइन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, सेलेक्ट कीजिए, बस ड्रैग कर दीजिए, कंबाइन हो जाएगा। जब से शेप बिल्डर आया है मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मैं बहुत फटाफट ग्राफिक्स बनाता हूँ इस शेप बिल्डर को यूज़ करके, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एम। सो इलस्ट्रेटर में आपको शेप बिल्डर टूल भी यूज़ करना है और साथ ही साथ शेप मोड्स और पाथफाइंडर भी यूज़ करने हैं, ताकि आप जो कुछ भी आर्ट वर्क बनाएंगे वो अगर आपको बाद में कभी एडिट करना हो तो आपको आसान पड़े। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यार पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो वो हमें पूछ सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत सारे नए अपडेट्स और नई नई चीज़ें इस चैनल पर अब आने वाली है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग।